स्वाद में मजा हो तो खाना लगे लाजवाब। सारा स्पाइसेस ले आया है आपके लिए 100% नेचुरल मसाले, कुछ ऐसे मसाले जिनके बिना आपका किचन रहे सूना, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, बनाए आपके खाने को चटपटा और सुगंधित। आज ही ले आइए सारा स्पाइसेस के प्रोडक्ट्स। सारा स्पाइसेस, अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। उच्च शिक्षा का श्रेष्ठ स्थान, सृजनात्मकता यहाँ की पहचान। रावत पीजी गर्ल्स कॉलेज, करनी विहार, कीरापुरा, अजमेर रोड। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीएड, बीएसटीसी, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंड स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज। एडमिशन्स ओपन फॉर 2020-21। विजिट रावत गर्ल्स कॉलेज। सदन में प्रभावी तरीके से और जनता के हित में हम लोग उठाएं। पिछले दिनों जयपुर में भारी बारिश हुई और उस बारिश ने सरकार के सारे दावों की और सारे प्रयासों की पोल खोल दी। बहुत अरसे बाद इतनी भारी बारिश हुई, लेकिन इस बारिश ने एक सबक तो जरूर दिया है कि बहुत अरसे से और लंबे अंतराल से जिस तरीके से राजधानी की ड्रेनेज सिस्टम से लेके और तमाम व्यवस्थाओं की अच्छी समीक्षा होके, क्योंकि अक्सर ये देखते हैं कि बाढ़ के लिए नावें तो तैयार रहती हैं, लेकिन यदि बारिश नहीं होती तो उनकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। लेकिन किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार की दूरदृष्टि और उससे पहले की उसकी अलर्ट और उस पर तैयारी, जयपुर में लगभग 2000 से भी ज्यादा घरों और दुकानों में अभी भी मिट्टी भरी हुई है, हजारों गाड़ियां अभी मिट्टी में दफन है और बहुत सारे रास्ते अभी भी अवरुद्ध हैं। जिस युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि बारिश की संभावनाएं अभी भी प्रबल हैं, इसको युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है। दूसरा, इन दिनों राजस्थान में बिजली एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना है जनता के समक्ष, और राजस्थान की जनता में नीचे नीचे का आक्रोश है। बहुत सारी जगह लोगों ने बिजली के बिलों के बहिष्कार की बात भी कही है। अनेक संगठनों ने, जिसमें प्रमुख तौर पर भारतीय किसान संघ ने, और इस आंदोलन को नीचे तक चलाया है। जनप्रतिनिधियों के तौर पर हमें भी, जनता भी और अनेक संस्थाओं के लोग, संगठनों के लोग इस मामले में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। कोरोना के कारण 4 महीने लगभग ऐसा समय था कि जब व्यापार ठप रहा, खेती पे मार थी, ऐसा 1,42,00,000 उपभोक्ता सीधे सीधे प्रभावित होते हैं, और एक अंतराल के बाद राजस्थान की सरकार ने बहुत तरीके से, कंपनियों ने विगत दिनों जब बढ़ोतरी की थी तो लगभग 12% की बढ़ोतरी आम उपभोक्ताओं पर थी। अभी भी 2000 से 5000 तक इस रेशो के बीच में अतिरिक्त पैसा उपभोक्ताओं को देना पड़ रहा है। फिक्स चार्ज के नाम पर एक बड़ी राशि उपभोक्ताओं से वसूली जा रही है, खासतौर पर उद्योगों से। औद्योगिक संगठनों का एक बड़ा दबाव है। इसी तरीके से वीसीआर के नाम पे एक बड़ा खेल खेला जा रहा है, अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए मान लीजिए, या किसी भी तरीके से उसमें राजनीतिक तौर पर भी किसानों को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अधिकांश किसानों ने बताया कि वीसीआर भरने के दौरान लाखों की उनको वीसीआर भरी जाती है, फिर सेटलमेंट के नाम पे उनको 25% माफ करके और 75% पैसा उनसे वसूल कर रहे हैं। एक बड़ा आक्रोश किसानों में इस वीसीआर के नाम पे है। राजस्थान के 33 में से 32 जिलों में टिड्डी का हमला हुआ, और 2019 में भी लगभग 12 जिलों में ये हमला हुआ था। 1100 करोड़ से भी ऊपर की फसलें नष्ट हुई थी 12 जिलों में। अभी वापस फाका तैयार हो गया, और यदि उसको अभी
नष्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में राजस्थान के बहुत बड़े भूभाग पर किसानों का बड़ा नुकसान होगा। और अभी भी लगभग 22 जिलों के 90,000 हेक्टेयर पर इसका नुकसान पिछले दिनों हुआ है। टिड्डी, हम लोग कोशिश करेंगे कि सदन में इसकी प्रभावी चर्चा हो। कोरोना के बारे में सरकार के दावे तो बहुत हैं और घूम फिर के मुख्यमंत्री जी भीलवाड़ा पे चले जाते हैं, लेकिन उनके उर्द-गिर्द इतने सारे जिले हैं, वो जोधपुर की भी चर्चा यदि कर लेते हैं तो बेहतर होता। लेकिन अभी जिस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ी है और ऐसा लगता है कि लगातार बढ़ेगा, सरकार ने सिवाय वीडियो कॉन्फ्रेंस लीपापोती के अलावा कोई रोड मैप इस तरीके का दिया नहीं है। उनकी जो जागरूकता की नसीहत है वो भाषणों में है या विज्ञापनों में है, इसलिए मुझे लगता है कि केवल बार बार वो जिक्र करते हैं भीलवाड़ा मॉडल का, फिर कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने हमारी तारीफ करी। ये अलग बात है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी कितनी बार करी, लेकिन ये तय है कि कोरोना के प्रबंधन में सरकार कमजोर थी, कमजोर है, पर नहीं रहे ऐसी हम अपेक्षा और दुआ करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत उसके लिए भी कोई युद्ध स्तर पर एक्शन प्लान की आवश्यकता है। मैंने अभी देखा कि लगभग कोई 40 वर्षों के बाद में पानी के बिल का फॉर्मेट बदला है, उस पर मुख्यमंत्री जी का फोटो है। ताजुब होता है कई बार कि सामान्य तौर पर बहुत सारी सरकारें आई और चली गई, तो पानी के बिल को भी विज्ञापन के रूप में इस्तेमाल करने में कोई कमी नहीं रखी है। बहुत आश्चर्यास्पद सी लगती है कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, किस समय ऐसी कौन सी आवश्यकता हुई? क्या राजस्थान की जनता बिजली पानी के बिलों को देख के गहलोत से प्रभावित होगी? लेकिन ये बड़ी आश्चर्यास्पद सी बात है, लगभग 30-40 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। आज इंदिरा रसोई का उद्घाटन था, शायद आपका भी सवाल होता। अच्छी बात है, गरीबों को भोजन मिलना चाहिए, लेकिन इस बात का तो कोई तार्किक जवाब दे कि आपने अन्नपूर्णा का नाम बदलने के लिए आपने 1.25 साल क्यों लगाए? यानी 1.25 साल तक उन्होंने गरीबों की भूखों की उनको परवाह नहीं थी, एकदम से ऐसा क्या उनको बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ? अच्छी बात है, उसको ठीक से चलाएं। मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता का लाभ होना चाहिए, उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन वो सियासत की बात करते करते खुद ही भूल जाते हैं कि 1.25 साल तक उस योजना को किस तरीके से ठंडे बस्ते में रखा। और बहुत सारी योजनाएं हैं, वामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में नहीं बोलते, आयुष्मान के बारे में नहीं बोलते, पर मुझे लगता है कि यदि जब उन्होंने अन्नपूर्णा को इंदिरा कर दिया, मुझे कोई नाम पे ऐतराज नहीं है लेकिन नियत पे ऐतराज है। अभी महान राष्ट्रीय नेता इन दिनों राहुल गांधी जी वापस चर्चा में हैं, बीच बीच में कुछ आविष्कार करते रहते हैं, देश को अच्छा दर्शन देते हैं, और ऐसी घटनाएं किसी समाज के लिए और किसी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। उसके बारे में अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकृत ऐसा मनोबल बढ़ाने वाला या उस ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने वाला कोई बयान अभी आया नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान अब अपराधों की राजधानी हो गया है। उसके बारे में मुख्यमंत्री जी जो खुद गृह मंत्री हैं, आज तक तो नहीं बोले कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की कार्य योजना क्या है। तो मुझे चिंता है, फिक्र है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इन तमाम मुद्दों को कल सदन में भी, कल से हमारे अपने विधायक पूरी तैयारी के साथ में, आवश्यकता पड़ी और आवश्यकता है ही, 23 तारीख को हम लोगों के प्रदेश के पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षों की एक बैठक होगी, आधी बैठक लगभग वर्चुअल होगी जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे, और उस बैठक के दौरान हम लोग प्रदेश में कुछ ऐसे मर्यादित आंदोलन, क्योंकि कोरोना की एडवाइजरी के कारण एक बड़ी चुनौती है, ये एक तरफ तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं,
तो बहुत भीड़ भाड़ से बचते हुए लेकिन अपनी बात को हम प्रभावी तरीके से रखें, कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को अच्छे से उपयोग करके लोगों तक हमारी बात पहुंचे और उनकी भावनाएं भी जाने और भविष्य में किसी आंदोलन की रूपरेखा हम लोग तय करें।